अन्ना आंदोलन को तो आप भूले ही नहीं होंगे। 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन को खड़ा करने वाले अन्ना हजारे को तब देश का बच्चा बच्चा जान गया था। हर अखबार और हर न्यूज चैनल्स पर उनकी ही खबरें चलती थी। दरअसल लोकपाल बिल की उनकी मांग ने पूरे देश को उनके समर्थन में खड़ा कर दिया था। बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया, बहुत से लोग उनका साथ छोड़ भी गए। खैर, इस आंदोलन के चलते दबाव में आई कांग्रेस सरकार ने भी बिल को पास तो कर दिया, लेकिन समय पर इस पर काम नहीं हो पाया। बाद में सरकार बदली और बीजेपी सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और अब आखिरकार देश को उसका पहला लोकपाल मिल गया है। जस्टिस पीएस घोष को लोकपाल नियुक्त किया गया है। करप्शन हटाने के लिए जन लोकपाल बिल को जरूरी बताकर अन्ना हजारे ने अन्ना आंदोलन की शुरुआत की। आपके लिए यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले 8 सालों में अन्ना हजारे 3 बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सिविल सोसाइटी सदस्यों का नेतृत्व करते हुए अप्रैल 2011 में पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने जन लोकपाल बिल को संसद से तो पास करा दिया, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति पर आकर बात अटक कर रह गई। अन्ना आंदोलन को काफी लोगों का समर्थन प्राप्त था। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इसमें शामिल रहे, लेकिन क्या सच में जो लोग इसमें शामिल थे उन सबके मंसूबे एक ही थे? अन्ना आंदोलन के चर्चे पूरे देश में रहे, लेकिन पिछले 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े लोग खुद भ्रष्ट हो गए हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैं बात अन्ना हजारे की कर रहा हूँ तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ मैं बात आपकी कर रहा हूँ, मतलब कि आम आदमी पार्टी की, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं। यूं तो वो खुद जन लोकपाल बिल के लिए अपनी इनकम टैक्स की नौकरी को छोड़कर अन्ना आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदलकर एक अलग पार्टी बना ली और उतर गए दिल्ली की सियासत में। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं या नहीं ये बताने की शायद जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को बखूबी जानते हैं। हालांकि इससे अन्ना को झटका तो जरूर लगा था, लेकिन उन्होंने लोकपाल बिल की लड़ाई फिर भी नहीं छोड़ी। नींव भले अन्ना हजारे ने रखी हो, लेकिन देश को पहला लोकपाल देने का काम वर्तमान मोदी सरकार ने कर दिखाया है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को केंद्र सरकार ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस घोष की ख्याति मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 मार्च को औपचारिक तौर पर उनकी नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। लोकपाल में 8 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें जस्टिस पीएस घोष को लोकपाल नियुक्त करने के साथ साथ न्यायिक सदस्यों के तौर पर जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी होंगे। न्यायिक सदस्यों के साथ कमेटी में 4 अन्य सदस्यों के तौर पर दिनेश कुमार जैन, अर्चना राम सुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम भी शामिल किए गए हैं। वैसे आपके लिए यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि लोकपाल नियुक्ति की सिलेक्टिव कमेटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दल के नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात सरकार ने कही थी। वहीं कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने से साफ इनकार करते हुए सरकार पर मनमानी का आरोप लगा दिया था। जहां एक तरफ चुनाव नजदीक आने पर विपक्ष और राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं, वहीं सरकार अब इन सबसे ऊपर उठकर अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले सभी जरूरी कामों को निपटाने में जुटी हुई है। उम्मीद है कि लोकपाल नियुक्त होने के बाद करप्ट लोगों के बुरे दिन अब जरूर शुरू हो जाएंगे।